हाय गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। एंड कल मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरा स्टार्ट इंट्रो है एंड जो एंड इंट्रो है दोनों ही मतलब काइंड ऑफ सेम रहे हैं जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। एंड फिर मैंने सोचा यार कहीं ना कहीं जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रोज मतलब मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, अभी मैं नई वीडियोज़ डालती हूँ वो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बोरिंग लगता होगा, बिकॉज मैं भी वही वीडियोस जब बार बार देख रही थी एंड स्टार्टिंग और एंड मेरा सेम था, लाइक लिटरली आई फील कि मुझे वो सारी लाइनें ना याद हो चुकी है एंड मैं एक ही फ्लो में उसे बोल जाती हूँ। तो मैंने सोचा अब से मैं थोड़ा अपना डिफरेंट इंट्रो रखूंगी। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि शायद मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मेरी वीडियोज़ बहुत पॉइंट टू पॉइंट होती है एंड मुझे इंटरेक्ट करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे कि मैं ज़्यादा अच्छे से अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर सकूं। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पैटियो मेकओवर। सो जो भी मैंने प्लांट्स उगाए हैं एंड खरीदे हैं उन्हें रखने के लिए मुझे एक शेल्फ चाहिए था, तो और मुझे ज़्यादा बड़ा शेल्फ भी नहीं चाहिए था, छोटा सा चाहिए था बिकॉज मेरे पास इतने प्लांट्स नहीं हैं। एंड तो मैंने ये टारगेट से ये शेल्फ मंगाया था, ये 3-tier शेल्फ है, ये मेटल का है, ब्लैक कलर का मंगाया मैंने एंड मुझे $25 का पड़ा था ये। एंड ये बहुत सही लगा मुझे बिकॉज एक तो बहुत लाइट वेटेड था एंड इसे मतलब लाइक आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट आप तीनों टीयर के बीच में भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा शेल्फ ऊपर चाहिए, कौन सा शेल्फ के बीच में स्पेस कम चाहिए, तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी। और यहाँ पे मैं ये जो पेपर दिया था इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि कैसे आप इसे असेंबल कर सकते हो, तो मैं वही पढ़ रही थी एंड फिगर आउट कर रही थी कि ये कैसे असेंबल होगा। एंड इस शेल्फ में ना कुछ प्लास्टिक के होल्डर्स दे रखे थे, जो ये स्टिक दे रखी थी इन्हें होल्ड करने के लिए कि जिससे कि जो भी शेल्फ है ये नीचे को ना खिसके ये फिक्स रहे, तो प्लास्टिक के होल्डर्स दे रखे थे। अगर एक और उसमें बाबा मुझे ना काउंट करना पड़ रहा था कि कितने ऊपर लगा रखे हैं, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा डिफ़िकल्ट था। एंड एक बार आपने फिक्स कर दिया है तो आपको अगर हटाना है या हाइट ऊपर नीचे करनी है, एडजस्ट करनी है, तो आपको वो होल्डर्स निकाल के फिर से करना पड़ रहा था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट ठीक है, आई मैनेज एंड मैंने फाइनली फिर उसे फिगर आउट किया कि कैसे होगा। एंड यहाँ पे मैंने 2 tier अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ पे कि मैंने शायद गलत डाल दिया है बिकॉज ऊपर और बीच का कर दिया था बट नीचे के लिए था नहीं, तो फिर मैंने दोबारा उसे किया एंड या सो मैं यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन करी उसे। Thank you.
मेकओवर है, ये बहुत ज़्यादा मिनिमल सा मेकओवर है, लाइक मैंने इस पर ज़्यादा खर्च नहीं किया है. आई वॉन्टेड इट टू बी डिसेंट एंड मुझे इसमें ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना था एंड आई वॉन्टेड कि बेसिक सा पार्टी हो जिसपे मैं अच्छे से इंजॉय कर सकूँ. एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था कि मैं एक पार्टी बुलाऊँ, बहुत सारे प्लांट्स उगाऊँ. एंड अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मैंने प्लांट्स उगाना शुरू कर दिया था. एंड कहीं ना कहीं मेरा मन हो गया था कि मैं बहुत सारे प्लांट्स उगाऊँ. तो मैं सोची थी थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं एक पैट्रियो मेकओवर करूँगी. एंड गाइज सीरियसली बताऊँ तो मैंने ये जो चेयर्स है ना इन्हें लेने के लिए इतना सोचा, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कैसी पैट्रियो की चेयर चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए थी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं इतना यूज़ नहीं करूँगी, बाहर इतना बैठूँगी. एंड बट मुझे चाहिए थी कि वो अच्छी हो, दिखने में अच्छी लगे एंड पैट्रियो को बहुत अच्छा लुक दे एंड फोल्डेबल हो. सो मेरी सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो चेयर्स फोल्डेबल हो, कभी अगर मुझे अंदर रूम में यूज़ करनी हो, अपने हॉल में अगर ज़्यादा लोग आए हैं तो मैं लिविंग एरिया में भी उसे यूज़ कर सकूँ. एंड अगर मैं कभी शिफ्ट करूँगी तो ईजी रहेगा कि फोल्डेबल होगी, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आपकी चीज़ें फोल्ड नहीं हो सकती या. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें. एंड या एंड आई विल से स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.